गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सहनावतु सहनौ गुणक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै तद्युक्तं संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखण्ड एकरसवत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। ये पंचदशी का श्लोक है और ये कह रहा है कि संसर्गः वा विशिष्टः वा तत् और त्वम को हमने जोड़ना नहीं है। तत् और त्वम के वाक्य का असल अर्थ समझ करके उसके भीतर जो अखंड सत्य है उस अखंड सत्य को पकड़ना है। तो जो विद्वान लोग हैं उनकी मति उनकी बुद्धि तो ऐसी ही होती, एकत्व को बनाना नहीं है, तत् और त्वम को एक करना नहीं है, दो विपरीत वस्तुओं को हम एक नहीं कर सकते, दो समान की एकता को पहचान सकते हैं, ये फर्क होता है। जीव और ईश्वर में अर्थात तत् और त्वम में क्या कुछ समानता है या कुछ समानता बनानी है? जो चीज बनाई जाएगी वो चीज टूट जाएगी, जो चीज किसी प्रयत्न से की जाती है वो प्रयत्न ढीला होने पर खत्म हो जाती है। इसीलिए ध्यान जो लगाए जाते हैं वो ध्यान टूट जाते हैं, जो समाधियां लगाई जाती हैं वो समाधियां भंग हो जाती। इसलिए कबीर तो कहते हैं साधो सहज समाधि भली। हम कुछ करते नहीं हैं, आंख न मूंदूं कान न रूंदूं तनिक कष्ट न धारूं। आपने श्वास भरी आपने कुंभक किया कब तक रोक के रखोगे? जो अंदर गई सांस वो बाहर तो आएगी ही। आपने बाह्य कुंभक किया आप बाहर श्वास कब तक रोक के रखोगे? वो भीतर तो फिर आएगी। पर ये याद रहे कि ये प्राणायाम का खंडन नहीं है, क्योंकि जो योग से आलसी हैं जो योग करने से जी चुराते हैं उन सब के लिए कबीर साहब सबसे बड़े गुरु हैं। और फिर ये डायलॉग सब बोलते हैं साधो सहज समाधि, हम तो सहज समाधि लगाते हम नहीं करते आसन प्राणायाम। तो ये बड़ी अन्याय की बात हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने पूरक कुंभक रेचक कभी किया ही नहीं, प्रश्न उठता क्यों नहीं किया? क्योंकि वो संसार की दौड़ भाग कर रहा होगा, बिजी होगा व्यवहार में, परमार्थ में नहीं व्यवहार में, गाली गलौज निंदा चुगली लेन देन व्यापार में बिजी। तभी तो जो रजोगुणी है जो संसारी चित्त वाला है
वही आदमी इन साधनाओं से दूर रहता है। जो साधक है वो इन साधनाओं को अवश्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा मन को हम समता में लेकर के आ सकते हैं। इसी के द्वारा आप इस बात की साक्षात अनुभूति कर लेते हैं कि मन का सुख पैसे, परिवार, मकान में नहीं, मन का सुख एकाग्र हो जाने में है। और एकाग्रता का बोध लेने के लिए आंख भी बंद करनी पड़ेगी, सांस भी लंबी खींचनी पड़ेगी, तो प्राणायाम की सब विधि को समझना भी होगा। जिस कबीर का ये वचन लेकर के योग न करने का जो प्रावधान करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि कबीर साहब का बड़ा लंबा छोड़ा बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें उन्होंने साधना कैसे की जाए यही बताया, कैसे योगी बैठे ये बताया है, कैसे योगी वैराग्य करे ये बताया है। तो वो नहीं भूल जाइएगा। परम सिद्धि हो जाने पर जो ट्रेनिंग कर रहे थे उस ट्रेनिंग की अब जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं, जब तक आप पास नहीं हो जाते तब तक करोगे। आप कोचिंग ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 12-15 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, फिर आपने एग्जाम दिया, फिर आप क्लियर हो गए, क्या अभी भी कोचिंग स्कूल में जाओगे? और नियुक्ति हो गई, पोस्ट हो गया, जॉब शुरू हो गई, तो क्या ये ऑफिसर कहेगा अरे मेरी तो कोचिंग क्लासेस थी, मुझे तो वहां जाना है? उसका एक टाइम था, वो हो गया, अब काम निपट गया, और कोई उससे पूछे कि अच्छा सर आपकी कोचिंग क्लासेस कहाँ लगती हैं, मैंने डीसी से, एसडीएम से, तो वो कहेगा काहे की क्लासेस, अब तो हम सब जानते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक वो है जिसने प्रशासनिक परीक्षाएं पास कर ली, और एक वो है जो अभी 12वीं 10वीं 11वीं पढ़ रहा है और कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने का सोच रहा है। दोनों को हम एक तो नहीं कह सकते। बहुत बार वेदांत सुनने वाले ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। ये चीज मैंने अपने सालों के निरीक्षण में पाई है, जहाँ सिर्फ वेदांत की बात हो रही होती है, वो सुनने वाले लोग योग का खंडन करने लग जाएंगे, आसनों का खंडन करने लग जाएंगे, और वो ये भूल जाते हैं कि वेदांत का अधिकारी वही है जिसके सम दम श्रद्धा है। जिसके मन की समता ही नहीं है वो तो अधिकारी नहीं है। जिसका मन विक्षेप रहित नहीं है वह अधिकारी नहीं। देखिए, एक तो विक्षेप तब जाएगा जब आवरण निवृत्त होगा, पर वैराग्य का भाव करने से, ये जो रोज छोटे छोटे 10 बार तुम दिन में रो पड़ते हो, 10 बार दिन में हंस पड़ते हो, 10 बार मन चंचल हो जाता है, 20 बार मन चिंता और शोक और निराशा में चला जाता है, इस विक्षेप को दूर करने के लिए वैराग्य और योग की साधना की आवश्यकता होती। परंतु यह भी बात सत्य है, जो चीज करने से होती है वो ना करने से नहीं होगी। तो जो मन की शांति कुंभक करने से आई, वो कुंभक छोड़ देने पर कैसे रह जाएगी? कुछ करके जब मन को हम शांत करें तो नहीं करेंगे। इसलिए देखो, जितना जो भी कोई साधु है, जो भी कोई सन्यासी है, जो भी कोई ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, उसे ये बात बहुत समझनी चाहिए कि उसका अभ्यास किसी कीमत पर भी छूटना नहीं चाहिए। हमने वेदांत सुन लिया, अब हम ब्रह्मास्मि हो गया, अब क्या जरूरत है
जिस मन के साथ जी रहे हो, जिस मन के साथ व्यवहार कर रहे हो, वो मन ने फिर कहीं राग द्वेष बनाया बेवकूफ़ी से, तो विक्षेप उतना ही हो जाएगा, बल्कि तुम दूसरों की हंसी का पात्र बनोगे कि लो जी साधु होके, सन्यासी होके, महात्मा होके ये विक्षेप में पड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब जो डेरे आश्रम के गद्दी पे अधिकार लेने के चक्कर में चार पांच साधु आपस में कोर्ट कचहरी खेल रहे होते हैं, वो कहाँ से शोभनीय है। माने घर परिवार संसार तो त्याग दिया, पर आश्रम की गद्दी नहीं त्यागी जा रही, तो ये तो और बड़ा प्रचंड लोभ और बड़ा ही प्रचंड माया का ऐसा चक्कर पड़ गया कि बड़ी खतरनाक बात हो गई। अब इनका छुटकारा कैसे होगा? ये बड़ी खतरनाक बात होती। इसलिए जिसने कषाय वस्त्र पहन लिए, माने भगवा वस्त्र पहन लिया, जिसने संकल्प किया संसार छोड़ देने का, ये कपड़े से संसार नहीं छूटता है। जब मन से हम आसक्ति छोड़ दे तब छूटता है। किसी ने कहा कपड़े पहन लेने से क्या हो जाता है, मैं भी यही कहती हूं, कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, परंतु संन्यास से पूर्व जो संन्यास की तैयारी होती है ना, वो तैयारी करके देखो तो पता तुम्हें चले, क्योंकि उसी तैयारी की प्रोसेस में ही स्वयं को मुर्दा देखना, अपने हाथ से ही अपना श्राद्ध कर्म इत्यादि अंतिम क्रिया करना, स्वयं के हाथ से ही अपने सब संबंधों को छोड़ देना, जिस नाम, जिस इज्जत, जिस पोजीशन के लिए आदमी मरता है उस नाम को ही त्याग देना, जिस पोजीशन में थे वो पोजीशन को त्याग देना। तो जो जो चीज संसार से बांध सकती है वो एक एक करके वो हर चीज को छोड़ता जाता है। तो संन्यास इज नॉट अबाउट द वेयरिंग जस्ट ऑकर क्लोथ्स, इट्स मोर अबाउट हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी रेडी फॉर दिस। तो जिसने वस्त्र धारण कर लिए उसके ऊपर तो और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती, क्यों? अब सारे समाज की नजर उस पर है, समाज तैयार बैठा है कि ये गलती करे तो सही है, और फिर हम छाती ठोक के कहेंगे कि नहीं देखो हम अच्छे ना, हम जो घरों में रहते हम अच्छे, ये देखो इनके हाल। तो साधक वही है, साधु वही है, सन्यासी वही है, जो जब तक शरीर उसका जीवित है और जब तक शरीर में उसके प्राण है तब तक वो अपनी साधना से कभी आलस्य नहीं करता। मेरे एक मित्र संत कह रहे थे, वो उड़ीसा से थे, उनका जन्म स्थान उड़ीसा में, वो कहते जिस 17 साल की उम्र में वो अपने गुरु के पास गए थे और गुरु ने सुबह 3 बजे जगने का नियम दिया था। जब वो 17 के थे तब ये नियम दिया गया था कि सुबह 3 बजे उठना। आज वो 78 साल के हो रहे, कह रहे एक भी दिन ऐसा नहीं मेरे जीवन में आया कि 3 बज चुके हैं और मैं अभी भी बिस्तर में पड़ा हूं, मेरी पीठ 3 के बाद बिस्तर पर लग नहीं सकती। 17 से 78 में शरीर कभी कभी बीमार भी हुआ होगा, बुखार भी हुआ होगा, गिरे भी, मुझे मालूम है, मेरे मित्र हैं, मैं जानती हूं उनको, कई बार शरीर को उनके कष्ट भी हुआ, चोट, लेकिन 3 बजे का नियम गुरु ने दिया। वो आप गुरु तो कब के मर गए, गुरु तो कब के चले गए, अब तो वो खुद गुरु हैं कई चेलों के। वो बात अलग, उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी पर लोग उन पे भाव श्रद्धा करते हैं, तो वो कहते हैं कि अब तो मैं खुद गुरु हूं तो जो चाहे सो करूं, उठूं चाहे ना उठूं। हु इज गोइंग टू से अरे ये क्या कर रहे हो, अरे जल्दी उठ जाओ। बोले आज भी 3 बजे, जागने का समय आज भी 3 बजे।
रामकृष्ण परमहंस से किसी ने प्रश्न किया था कि ठाकुर आपने तो प्राप्ति कर ली, जो चाहते थे वो आपको मिल चुका है, तो अब आप इतनी कठिन साधनाएं क्यों करते हैं? तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं अपने लिए नहीं, अब अपने शिष्यों के लिए कर रहा, क्योंकि सिद्ध हो जाने पर भी जब वो मुझे साधना करते देखेंगे तो उनको शर्म भी लगेगी और इंस्पिरेशन भी मिलेगी और वो फिर फॉलो करेंगे। वो कहा करते थे, क्योंकि ग्रामीण भाषा बोलते थे ना, कहते थे कि अगर कहीं मैं खड़े होके पेशाब करने लग जाऊं, चेले मेरे घूम घूम के करने लग जाएंगे, तो जब मैं बैठ के पेशाब करूंगा तो ये कम से कम एक जगह खड़े होके तो कर लेंगे। मैंने क्या उदाहरण दिया उन्होंने, तो मुझे अपने चेलों से अधिक साधना करने की जरूरत इसलिए महसूस होती है कि जब इतनी सिद्धि के बाद भी वो मुझे इतना समर्पित भाव से, संकल्प से साधना करते देखेंगे तो ये प्रेरित होंगे करने के लिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आदर्श पुरुष अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीता है। इसलिए आदर्श पुरुष को ऐसा व्यवहार करना ही पड़ेगा जहां उसको जो कर्तव्य नहीं है तो भी उस कर्तव्य का पालन वो करता है। अब खुद भी कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई कर्तव्य है नहीं, लेकिन फिर भी देखो मैं अपने क्षत्रिय धर्म को कितने अच्छे से निभा रहा हूं। मेरा कोई शत्रु कोई मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पक्ष लिया है, क्योंकि तुम सत्य के पक्ष से लड़ रहे हो, न्याय के पक्ष से लड़ रहे हो, धर्म के पक्ष से लड़ रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा होके, मैं किनारे में तो नहीं बैठ गया कि हमें क्या लेना देना जो होता हो, कौरव मेरे क्या दुश्मन थोड़े हैं, पांडव ठीक है रिश्तेदारी है तो फिर वो रिश्तेदारी कौरवों के संग भी तो है, तो मैं किसी का पक्ष क्यों लूं। लेकिन फिर भी ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कोशिश करके समझाऊं, जब नहीं समझे, युद्ध की आ ही ठहरी, तो दोनों में से एक का पक्ष मैंने किसका लिया, मैंने तेरा पक्ष लिया।